है, लेकिन अब कॉमर्शियल की बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल उत्पाद है, इसके हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि यहाँ इनको मशरूम का बिस्किट, मशरूम का जो है पापड़, मशरूम का बड़ी और ये मशरूम का समोसा, मशरूम भुजिया, जैसे यहाँ बीकाजी का भुजिया चल रहा है उससे, तो ये वैल्यू एडेड भुजिया है। तो इस तरह से तमाम तरह की प्रोडक्ट्स बनाने की संभावना है और इस दिशा में विश्वविद्यालय अग्रसर हो गया है। जो भी किसान भाई हैं यहाँ आकर के इससे लाभ ले सकें, यहाँ एक उच्च गुणवत्ते हैं। उसमें आज जो है मशरूम का पकौड़ा काफ़ी फेमस है, देश में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट होता है। काफ़ी जैसा मशरूम पौष्टिक है उसी तरह से पौष्टिक है, इसको बनाने का विधि भी बहुत आसान है। दूसरी बात है कि मशरूम कैटलेट, ये हाई क्वालिटी का स्नैक्स माना जाता है, होटलों में और अन्य जगह मिलता है, तो ये भी आपका, इसका भी हम लोगों ने प्रयोगात्मक यहाँ पर इनको सिखाया। हमारे कुल 40 किसान डिफरेंट ब्लॉक्स से बीकानेर के आए हुए थे। और अचार, अचार हर घर में खाते हैं, तो हम लोगों ने मशरूम का अचार भी बनाया, प्रैक्टिकल उनको एकदम उन्होंने बनाया। और मशरूम बड़ी, मशरूम अदौड़ी जिसको कहते हैं या चंकी कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहा और इसमें किसानों ने काफ़ी जो है रुचि ली। इस तो ये प्रयोग किया और इसको आगे ये करेंगे। दूसरी बात कि इसके और भी घरेलू उत्पाद हैं, जैसे स्वीट्स है, आप इसका लड्डू बना सकते हैं, इसका पापड़ बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें घर में है, इसका पनीर बनता है और बहुत सारी चीज़ आइटम्स हैं जो कि आप बना सकते हैं। दूसरी सब्जी बनाइए, मटर की या किसी भी जगह, तो केवल अभी होटलों में और अन्य जगह में सिर्फ मशरूम की सब्जी ही प्रचलित है। ये तो अगर इसको हम लोग करते हैं और हमारा विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में काम कर रहा है और इसे और बढ़ावा देगा, देने की ज़रूरत है, तो एक लैंडमार्क स्थापित होगा जिसके अंतर्गत हमारे जो विश्वविद्यालय का नाम काफ़ी आगे जाएगा और इससे रोजगार सृजन होगा अगर इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसकी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तीसरा बात है कि बहुत और कुछ दिनों बाद हम दोबारा डॉक्टर दयाराम जी जो इन्होंने सिखा रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि 7 दिन के लिए हैं, 3 दिनों में इसको बनाने की विधि, इसके बीज उत्पादन की विधि और 4 दिनों में इनका वैल्यूडेशन डिटेल में कुछ और नया नवाचारों के साथ में बताएं उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, जिससे कि बाजार में इसकी उपलब्धता और अधिक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डालो भैया उसमें, डाल के पूरा मिलाओ, पूरा डाल दो, पूरा डाल के मिलाओ, ब्राउन हो जाएगा। देखिए उसका एक स्नैप तो आपको इंग्रेडिएंट के लेते, उसका एक स्नैप ज़्यादा फ्राई हो गए हो, वो यही है आपने के लिए।